Hello student, welcome to our live class of Prayag Public School. All the concept and properties of the integers we have learned. And today we learn the interesting topic that is numerical of the chapter integers, that is exercise 1.2. We have done exercise 1.1 and today we exercise the exercise 1.2 and also try 1.3. So let's begin. 1.2 exercise. In exercise 2, first question is that you see the book. This is the NCERT book, that is question number exercise 1.2. We try to solve this question. Okay, exercise 1.2. This is the question. Question is that write down the pair of integers whose sum is minus 7. Whose sum is minus 7. We see, write down the pair of integers whose sum is minus 7, whose sum is 0. It's different, it's like this type of question we have in the first chapter of 1.2. Sum is minus 7. Means result is negative. So definitely, the larger number is with negative sign. So, bade number ka sign kaisa hoga aapka? Negative sign hona chahiye. तो यहाँ पर कोई एक आंसर नहीं होगा कि आपका मैच नहीं कर रहा है बुक से, तो बुक से डिफरेंट भी आंसर हो सकते हैं क्योंकि इट हैज सो मेनी आंसर्स, इसके बहुत सारे आंसर होंगे, तो इसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे. देखिए, सपोज रिजल्ट इज माइनस 7, एनी नंबर्स इफ वी हैव माइनस 8 प्लस 1, दिस रिजल्ट इज माइनस 7, दिस रिजल्ट इज माइनस 7. 8 minus 1, 7. 8 is negative sign. Greater number is negative sign. So it is minus 7. Okay. एक आंसर आप तो ये हो सकता है, पहला एग्जाम्पल जो आंसर हो सकता है, ये हो सकता है कि 8 plus 1. सेकेंड आंसर भी आपका हो सकता है, बहुत सारे आंसर, इट हैज सो मेनी आंसर्स, बहुत सारे आंसर होंगे. सेकेंड आंसर आपका ये भी हो सकता है, कोई कहता था माइनस 10 प्लस 3, दिस इज ऑल्सो माइनस 7. थर्ड आंसर इस तरह से हो सकता है आपका माइनस 13 प्लस 6, दिस इज आल्सो माइनस 7. सम इज माइनस 7. फोर्थ आंसर आपका देखिए, यहाँ पे हमने किया एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इस तरह से लिया. हो सकता है आपका दोनों ही आंसर नेगेटिव भी हो सकते हैं. सपोज माइनस 4 प्लस माइनस 3 प्लस 4 प्लस माइनस, दोनों ही नंबर नेगेटिव हो. सम कह रहा था दिस इज माइनस 3, दिस इज माइनस 4, बोथ आर नेगेटिव इंटीजर होज सम इज दिस. इंटीजर्स लेना है, आपने नहीं बोला कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है या नेगेटिव इंटीजर्स लेना है, आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, बस रिजल्ट आपका माइनस 7 होना चाहिए. तो दिस इज माइनस 4, दिस इज माइनस 7, बोथ आर नेगेटिव साइन, ऐड कर दीजिए दोनों नंबर को, तो दिस इज माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 3, दैट इज माइनस 7. ये आपका माइनस 7 हो गया. ये सारा चीजें हमने कैसे प्लस माइनस डिसाइड हो रहा है, इसको हम यूट्यूब पर डिसाइड किया है. तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, इन दोनों का जब लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बीच में माइनस साइन होता है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. ओके, तो माइनस 4 माइनस 3 इज माइनस 7, ये आंसर्स हो सकते हैं. इसी तरह से सी क्वेश्चन है कि सम इज 0, सम इज 0, सम आपका 0 तभी हो सकता है जब वन नंबर इज पॉजिटिव एंड अदर नंबर इज नेगेटिव. एक नंबर आपका पॉजिटिव हो, दूसरा नंबर नेगेटिव हो, दोनों का जो नंबर है, दो इंटीजर नंबर है, वो दोनों का सेम होना चाहिए, तो आपका आंसर हमेशा 0 आएगा. टू इक्वल साइन, आप टू इक्वल नंबर आप अपोजिट साइन, टू इक्वल नंबर हैव अपोजिट साइन, देन रिजल्ट विल बी 0. ओके, मींस अगर हम लोग देखें माइनस ए प्लस ए, दिस इज 0, माइनस ए प्लस ए, एक नंबर नेगेटिव हो दूसरा नंबर पॉजिटिव हो और दोनों में नंबर सेम हो, तो आंसर क्या होगा, 0. इस तरह का एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, कोई भी माइनस ए प्लस ए, तो एग्जांपल माइनस 3 प्लस 3, दैट इज 0, माइनस 6 प्लस 6, दैट इज 0. इस तरह से कोई भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर हम लोग यूज करके आंसर क्या आ जाएगा, 0. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज गिवन 8. राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव नंबर हुज डिफरेंस गिव 8. टू नेगेटिव इंटीजर्स मैंने, क्वेश्चन इज टू नेगेटिव इंटीजर्स, टू नेगेटिव इंटीजर्स यूज कर रहे हैं,
अब इनका रिजल्ट क्या हो, एट गिव्स एट. आंसर इज राइट ऑफ नेगेटिव इंटीजर डिफरेंस गिव माइनस एट. टू नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, वो दोनों ही नंबर नेगेटिव लेने हैं और उसका रिजल्ट पॉजिटिव हो, उनके डिफरेंस निकालने पर. ठीक है, उसका डिफरेंस फाइंड करने पर, उसका डिफरेंस कैसा हो, पॉजिटिव हो. सपोज लाइक दिस नंबर, एग्जांपल नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू इज नेगेटिव नंबर लेना है और आंसर इज पॉजिटिव. सपोज दिस इज माइनस थ्री एंड दिस इज माइनस एलेवन, दिस इज माइनस एलेवन. Both are the negative number. Both are the negative number. Minus 3 is also negative number. Minus 11 is also negative number. क्योंकि यहाँ तो two sign use होने वाला है, दो sign use होगा, इसलिए यहाँ पे इसको bracket में कर देते हैं. Okay? इन दोनों numbers का हमें difference निकालना है, यानी कि minus करना है. दोनों number का difference निकालना है. तो कैसे करेंगे? Minus 3. This is minus minus plus 11. 11 minus 3 8. This is the answer. इस तरह से इसके भी आपके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं. आपका रिजल्ट एट होना चाहिए पॉजिटिव में. आपका जरूरी नहीं कि आंसर आपका बुक में ये नंबर दिया हो, या कुछ भी. आप भी अगर इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्ट आपका सही होना चाहिए. आंसर अगर आपको मैच नहीं करता, इट हैज नो प्रॉब्लम. ओके, माइनस थ्री माइनस इलेवन दैट इज एट. लाइक एग्जाम्पल हम कहें कि टू नंबर्स को ऐड करिए जिसका रिजल्ट एट हो. टू नंबर्स को ऐड करिए जिसका रिजल्ट एट हो, तो आपके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं. टू प्लस सिक्स भी हो सकता है, फोर प्लस फोर भी हो सकता है, फाइव प्लस थ्री भी हो सकता है, सेवन प्लस वन भी हो सकता है. जैसे इसके बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं, उसी तरह से इसके भी बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं. ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज. इस तरह से आप बी सी क्वेश्चन को करेंगे. नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री, इन अ क्विज टीम ए स्कोर, टीम ए इन अ क्विज टीम ए स्कोर माइनस 40 10 0 एंड टीम बी स्कोर 10 0 माइनस 40 इन थ्री कंसेक्यूटिव राउंड. व्हिच टीम स्कोर मोर? कैन वी सी दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर. बोला कि टीम ए ने जो स्कोर किया है नंबर्स मार्क्स को, माइनस 40 10 एंड 0 एंड टीम बी स्कोर टीम ए एंड स्कोर टीम बी. टीम बी इज 10 0 माइनस 40. क्वेश्चन इज दैट विच टीम स्कोर मोर, विच टीम स्कोर मोर, किस टीम ने ज्यादा स्कोर किया है. तो देखिए दोनों ही का 40 10 एंड 0, 40 0 10 नंबर सेम, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुए हैं. तो ऑर्डर चेंज होने से, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था, ऑर्डर चेंज होने से आंसर्स में कोई डिफरेंस नहीं आता है, नो चेंज. सो दिस इज सी द नंबर, देयर इज नो चेंज, मींस दे आर स्कोर इक्वल. स्कोर ऑफ ए, स्कोर ऑफ टीम ए इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 10, ऐड करना सभी को, क्योंकि स्कोर को ऐड करते हैं, दिस इज माइनस 30 एंड स्कोर ऑफ टीम बी दैट इज 10 प्लस 0 दैट्स माइनस 40 माइनस 40. दिस इज आंसर इज 10 प्लस 0 इज 0 माइनस 40 दैट इज माइनस 30. मीन्स बोथ टीम स्कोर सेम, बोथ टीम स्कोर सेम, दोनों ही सेम स्कोर को गेन किया है उन्होंने, माइनस 30 माइनस 30 का. तो दो इज नो विनर. सो अनदर क्वेश्चन इज कैन वी सी दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर. कह रहे हैं इंटीजर्स को क्या हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं? यस,
तो सेकंड आंसर इज यस, हम किसी भी ऑर्डर में इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं बाय द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर के अकॉर्डिंग इस नंबर्स को इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 4, क्वेश्चन को आप पास करके रिपीट करके अगेन अगेन देख सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो। क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4, फिल द ब्लैंक्स टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट्स गिवन है उसको ट्रू बनाने के लिए हमें कुछ ब्लैंक्स को फिल करने हैं। सपोज वी हैव अ क्वेश्चन 1, 4 का 1 माइनस 5 प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस स्पेस गिवन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज 13 प्लस माइनस 12 प्लस दिस इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 7। ओके सी, इन दोनों क्वेश्चन को हमें स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है। यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल करना है। तो इसके लिए क्या नंबर फिल होना चाहिए कि सो दैट राइट साइड एंड लेफ्ट साइड बिकम इक्वल, देन ट्रू स्टेटमेंट। दिस इज माइनस 4, दिस इज माइनस 8, दिस इज माइनस 8। सी दिस नंबर इज इन बोथ साइड, माइनस 8 दोनों साइड पे है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में उन्होंने पढ़ा था कि नंबर ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है। इस 5 को हम लोग 8 को यहाँ किया तो 5 को उस साइड, इसलिए सिर्फ ऑर्डर का चेंज किया गया है। वी राइट हियर माइनस 5 ऑर्डर, 5 8 था 8 5, ओनली ऑर्डर इज विल चेंज, ऑर्डर को चेंज कर दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज द आंसर माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 4, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसी भी दो नंबर्स को हम लोग ब्रैकेट में यूज कर सकते हैं। देखिए माइनस 13 हियर, माइनस 13 हियर, प्लस 13 13 हियर, 13 हियर, माइनस 12, माइनस 12, दिस इज द माइनस 7। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड नंबर ब्रैकेट में है, यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड नंबर ब्रैकेट में, तो थर्ड नंबर आपका क्या मिला माइनस 7, दैट इज द आंसर इज माइनस 7। सिमिलरली इस इसमें के जितने भी क्वेश्चन आपके पास रहे हैं, हमने जितने क्वेश्चन करा दिए हैं, इससे रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन बच रहे हैं आप उसका होमवर्क और एक्सरसाइज 1.1 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है दैट इज योर होमवर्क, ठीक है, दैट इज योर होमवर्क, इसको आपको करके दिखाना है। Now proceed to exercise 1.3. Exercise 1.3. Find each of the following product. This is the question. Find each of the following product. अभी हम लोगों ने addition से related question किया है। अब 1.3 में हम क्या करना है? Product find करना है। Find the product. Find the product. Product means multiply करना है। Product find करना है means numbers को multiply करना है। Multiply का हमने concept आपका सारे properties videos में बता दिया है कि कैसे how to multiply, how to divide and how to add and how to subtract, सारी चीज़ें हमने discuss कर चुका है। वीडियो का फिर से रिपीट करिए और वहाँ पे देखिए हाउ टू मल्टीप्लाई दैट नंबर। बिकम द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज को रिपीट भी कर देंगे विद क्वेश्चंस, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 × -1, 3 × -1, हमने बोला था किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर कैन नॉट बी चेंज, तो आंसर आपका चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 मल्टीप्लाई करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ नंबर्स को ऐड करिए, साइन को भी नहीं देखना है। 3 × 3 दैट इज 3, ठीक है। अब देखिए सिंगल माइनस है, सिंगल माइनस हमने बताया था कि माइनस अगर सिंगल टाइम 1 टाइम 3 टाइम 5 टाइम 7 टाइम यानी 8 नंबर ऑफ टाइम्स अगर होगा तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन है, 1 टाइम है, तो इट इज नेगेटिव। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, प्लस माइनस कैसा होता है, नेगेटिव ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज सेम, -1 × 225, -1 × 225 आंसर इज सेम। नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं आता, दैट इज 225। 1 टाइम्स नेगेटिव साइन, सो इट इज -225, 225 क्योंकि नंबर आपका 1 से मल्टीप्लाई होता है। 2 × 2 = 1, 5 × 5 = 10, 10 × 10 = 6, 6 × 6 1 सभी का सेम होता है, तो वी कैन नॉट बी चेंज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी को अगर हम लोग देखें तो -21 × -30, अभी तो पहले हमने बताया सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया जाए, सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 0 को 0 ही रखते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा नंबर से ही आएगा। 3 × 3 एंड 3 × 2 = 6, दिस इज द नंबर, ठीक है। 6 × 3 = 0, 30 का 21 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये नंबर आ गया। अब हमें साइन डिसाइड करना है, देखिए 2 टाइम्स आएगा, नेगेटिव एंड ट्वेंटी, माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता था, प्लस हो जाता है, तो 2 टाइम्स है। अभी बताया था 1 टाइम 3 टाइम 7 टाइम यानी 8 नंबर ऑफ टाइम्स है, तो उसमें नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। यहाँ इवन नंबर ऑफ टाइम है, इवन नंबर ऑफ टाइम है तो कैसा हो गया, इवन टाइम यानी 2 टाइम्स है, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली आप किसी भी क्वेश्चन नंबर जे को देख लीजिए, रिमेनिंग आप होमवर्क में करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन आपका होमवर्क है, उसमें आप सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, नाउ -3 × -6, क्वेश्चन इज -3 × -6 × -2 × -1, this is your number, okay, very easy, सिर्फ आपको concept पे देखना है, question पे मत जाइए, आप concept जो हमने बताया सिर्फ उसी को follow करिए, answer is easy। हमने बताया कि सारे के सारे number multiply में है, कोई भी यहाँ पे add का sign या subtract का sign नहीं है, ये सिर्फ number का negative sign है, ठीक है, add subtract का नहीं है, तो सारे numbers को multiply कर देना simple, आप किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 का 2 में कर लीजिए, 6 का 1 में कर लीजिए, किसी भी ऑर्डर में जैसे आपको सूटेबल हो, जैसे आप इजी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इस तरह देखें, ये कितना जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, ठीक है। और अगर इस तरह से मल्टीप्लाई करें, किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर सही होगा। तो इजीली अगर हम लोग देखना चाहें, इस तरह से अगर हम लोग करें -3 × -2 × -1 × -6, इस तरह से अगर सॉल्व करना चाहें तो दिस इज -6, -3 × -2 दैट इज 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज -1 एंड दिस इज -6, -1 and -6, 1 × 6 = 6, 1 × 6 = -6, ± + this is also plus, 6 × 6 = 36, 6 × 6 = 36, 36 is your answer। सिंपली ऐसे भी कर सकते थे आप, 3 × 6 = 18, 6 × 18
18 2 36, ये भी हो गया 36 18 18 2 36 36 36 1 36 तो 36 आ गया 1 2 3 4 टाइम माइनस है 4 टाइम, एक इवेंट टाइम माइनस है तो प्लस, ठीक है, इवेंट टाइम 4 टाइम माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, दैट इज आंसर इज 36। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई करना है, क्वेश्चन नंबर 2 वेरीफाई करना है आपको, वेरीफाई द फॉलोइंग, आपका जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में आपको वेरीफाई करना है, दैट इज दैट इज इक्वल, और ये भी बता दीजिएगा बाय व्हिच प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी के थ्रू ये इक्वल हो रहा है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो वेरीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई द फॉलोइंग, verify the following, question number 8, question number A, that is 18 into 7 plus minus 3 is equal to 18 into 7 plus 18 into minus 3 माइनस 3, इसको वेरीफाई करना है, दिस इज लेफ्ट राइट आर राइट साइड आर इक्वल, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर इक्वल आर ना, तो हम लोग देखिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को पढ़ा था कि फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई सेकंड में करते हैं, फर्स्ट नंबर इसी नंबर का सेकंड में भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन नंबर इज सेम, आंसर सेम। तो देखिए यही हुआ 18 × 7 यहाँ पे आ गया और 18 × -3 ये, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो ये दिख रहा है कि दोनों सेम होंगे, वेरीफाई होगा, वेरीफाई हो रहा है कि 18 × 7 और 18 × -3, 18 × 7 × 18 × -3, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इक्वल के लेफ्ट में जो है वो हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के जो राइट में है वो हो गया आपका राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम अगर सॉल्व करके देखते हैं वैल्यू विल बी सेम। ओके 18 ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं 7 − 3 = 4, 7 − 3 = 4, दिस इज 4 8 = 32, 4 1 = 4 or 3 = 7 72। नाउ दिस साइड 18 × 7 हाउ मच, 18 × 7 7 8 = 56, 7 × 7 = 7 and 5 = 12, this is 18 × 54, 18 × 54, 18 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 54, दिस इज निगेटिव साइन वन टाइम, दिस इज निगेटिव, सॉल्व कर लीजिए कितना जाएगा, ठीक है 54 इस तरह से माइनस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 2, 12 − 5 = 7, आंसर इज 7, 72 आपका आंसर, 72 इज लेफ्ट साइड एंड 72 इज राइट साइड, सो वेरीफाई। सिमिलरली आपको सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह से कर लेंगे, सेकेंड का भी क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, क्वेश्चन नंबर 3 for any integer a, what is -1 × a equal to? Can I minus 1 into a? What is this? Equal to क्या होगा? उन्हें बता दें कोई भी नंबर हो, अगर उसको सेम नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर कैन नॉट बी चेंज, नंबर कैन नॉट बी चेंज, बट दिस नंबर इज नेगेटिव साइन, वन टाइम नेगेटिव साइन, दिस इज माइनस ए, तो आप कोई भी आंसर ले लीजिए, सपोज -3 −1 × 3 = −3 −1 × 6 = −6, तो कोई भी नंबर लेंगे वही नंबर आपका नेगेटिव विद नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो नंबर इज सेम विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन फॉर एनी इंटीजर इक्वल टू दिस,
Similarly, determine the integer whose prime product with minus one is. तो product क्या हो जाएगा? Product हमने बोला था कि single time है तो negative और two time है तो positive. For example, number two. This is first question three. Question number three का first था और this is question number second. Question number three का second question. Minus one into minus 22. ये कह रहा है कि माइनस 22 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आएगा. ठीक है, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 22, तो माइनस 22 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 दैट इज माइनस 22, 21, तो माइनस माइनस 2 टाइम है, माइनस माइनस 2 टाइम से दैट इज प्लस, तो प्लस 22 इज द आंसर. सिमिलरली सभी नंबर्स को जितने भी क्वेश्चंस में दिए हैं तब उनको माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इट इज इंटरेस्टिंग. क्वेश्चन नंबर 4 इज Starting from minus 1 to 5, starting from minus 1 into 5. Write various products showing some pattern to show minus 1 into minus 1 is equal to 1. So that is like minus 1 into minus 1 is equal to 1. So that is like minus 1 into minus 1 is equal to 1. इस प्रोडक्ट इसको हम लोग पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट करके पैटर्न ऐसा फॉलो करें कि माइनस वन की वैल्यू 1 मिल जाए. तो देखिए कैसे करेंगे, माइनस 1 इंटू 5 दैट इज माइनस 5. फिर इस नंबर को हम लोग फॉलो डिक्रीज करते हुए आते हैं, देखते हैं क्या आंसर मिलता है. माइनस 1 इंटू 4 दैट इज माइनस 4. Minus 1 into 3, that is minus 3. Minus 1 into 2, that is minus 2. Minus 1 into minus 1, that is 1. That is minus 1. Minus 1 into 1, 1 will be 1, minus 1. And this is minus 1 into 0, that is 0. जीरो का अब क्या आएगा, जीरो के बाद क्या आएगा, नेगेटिव नंबर. 5, 4, 3 डिक्रीज करते चले जा रहे हैं नंबर लाइन पे. देखिए जीरो से 5, 4, 3, 2, 1 0 के बाद माइनस 1 आ जाएगा. ठीक है, तो अब जीरो के आफ्टर क्या आ जाएगा, माइनस 1. माइनस 1 इंटू माइनस 1, इसका आंसर क्या आ जाता है, 1 बन जा 1. अभी हम लोग पता है इवन टाइम नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नेगेटिव 2 टाइम्स है, दिस इज पॉजिटिव. इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर हम लोग देखें, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 6 प्लस 1 5 ही है, माइनस 6 प्लस 1 दैट इज माइनस 5 ही है आपका. इसी को भी सिमिलरली इस तरह से लिख लें, तो ये माइनस 5 प्लस 1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 4 ही होगा. इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस 4 प्लस 1, इसको यूज करते हैं माइनस 3 प्लस 1, इसको यूज कर सकते हैं व्हाट, माइनस 2. देखिए एज इट इज माइनस 2 को हमने सिंपल इस फॉर्म में लिख लिया, माइनस 3 प्लस 1 के फॉर्म में, माइनस 3 प्लस 1 के फॉर्म में हमने सिर्फ यूज कर लिया. माइनस 1 को कैसा लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1, माइनस 1 ही आएगा. 0 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 0 को कैसे लिखेंगे, 0 को माइनस 1 प्लस 1. सिमिलरली नंबर को डिक्रीज करते चले जा रहे हैं. अब यहाँ पे आना हमें इस नंबर को कैसे लिखेंगे, माइनस वन के अब क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे. माइनस 6, माइनस 5, माइनस 4 नंबर्स को देखिए नंबर लाइन पे, माइनस 6, माइनस 5, माइनस 4, इस तरह से माइनस 1, देन 0, देन प्लस 1, 0 के राइट में प्लस 1. ठीक है, तो माइनस 1 के बाद आपका नंबर कौन सा जाएगा, 0, दिस इज 0 प्लस 1. तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 1.
So this is a complete it is two long videos. क्वेश्चन नंबर 5 को भी डिस्कस कर लेते हैं. बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम लोग नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी देख लेंगे. तो योर होमवर्क इज रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट. एक्सरसाइज 1.2 and 1.3 question number 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 होमवर्क में करना है. 5 को भी डिस्कस कर देते हैं. फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग अ सुटेबल प्रॉपर्टी. किसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 5. सपोज दिस इज 26 इनटू -48 प्लस -48 इनटू -36. किसी से प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज यूज किया है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कमोटेटिव प्रॉपर्टीज. इन सारे प्रॉपर्टीज को यूज किसी एक प्रॉपर्टीज के थ्रू जिसके थ्रू इजी हो रहा है उसको यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पे दोनों नंबर कॉमन है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अंदर मल्टीप्लाई हो जाता था 1/1. इस क्वेश्चन को a into b plus c अगर ऐसा होता था तो हम लोग क्या करते थे a into b plus b into c a into c इस तरह से सॉल्व कर लेंगे. तो आप देखिए b b आपका कॉमन है, a मतलब a की जगह पे कॉमन है, ये दोनों जगह पे है तो यहाँ पे भी a कॉमन है. तो क्या हो जाएगा -48 आपका कॉमन हो जाएगा यहाँ पे और इस पार्ट में बचेगा 26 और यहाँ पे बचेगा -30. This is -48. This is 26 - 36. It is different. The opposite sign. 36 - 26 आ जाएगा 10. This is negative sign. Higher number, greater number है ये. तो इसका कितना आ जाएगा -10. तो 48 × 10. -+. This is the answer. इस तरह की properties आपको use करके इससे सारे questions को related solve कर लेना है. और 1.3 का question, 1.3 exercise का question number 1, 2, 3, 4, 5 ये आपको होमवर्क में करना है. जिस होमवर्क 1.2 कंप्लीट करना है और 1.3 का क्वेश्चन को 1, 2, 3, 4, 5 करना है. ओके, थैंक यू. बी शेफ.